हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आई एम पी एन आर्या। आपका इस चैनल में जो आपका वीडियो सीरीज है सी लैंग्वेज फॉर बिगनर्स, तो सी में किस तरह से कोडिंग करते हैं, किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, तो बिगनर्स के लिए यह सीरीज वीडियो सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बेनिफिशियल है। आज के इस वीडियो में देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके हाफ पिरामिड किस तरह से प्रिंट करते हैं। तो हाफ पिरामिड जो आपका नंबर्स का होता है वो किस तरह से प्रिंट करते हैं, तो उसकी चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो सबसे पहले हम कमेंट लिखते हैं, स्टार दिस प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप, ओके, टू प्रिंट हाफ पिरामिड ऑफ नंबर्स। ओके, नंबर्स का हाफ पिरामिड प्रिंट करेगा और फिर इसको कमेंट को क्लोज कर। तो ये आपका कमेंट कंप्लीट हो गया, क्योंकि गुड प्रोग्रामर्स की हैबिट होती है कि प्रोग्राम लिखने से पहले उसका कमेंट लिखे, मीन्स प्रोग्राम किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, अब हम हेडर फाइल यूज करेंगे, हैश इंक्लूड स्टडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, वाइट मेन। ओके, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंट आई जे, दो वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप के लिए। अब यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 10। ओके, पहले 5 तक इसको चलाएंगे, बाद में हम इसको चेंज करके देखेंगे आउटपुट। ओके, आई प्लस प्लस। अब फॉर की बॉडी ओपन करेंगे, हमेशा प्रोग्राम को अलग अलग ब्लॉक में यूज़ करेंगे ताकि प्रोग्राम आपको क्लियरली समझ में आता है कि किस जो फॉर की बॉडी कहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम स्लैश एन का यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो आउटपुट है वो न्यू लाइन से प्रिंट होगा। अब हम फॉर नेक्स्ट फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर जे इज इक्वल टू आई, जे ग्रेटर देन 0 और जे प्लस, जे माइनस माइनस यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर जे प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ परसेंट डी जे। ओके, और यहाँ पे सेमी कोलन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अलग अलग ब्लॉक में प्रोग्राम को लिखा है, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा और प्रोग्राम का जो फॉर्म है उसका फॉर्म एकदम आपको अच्छा लग रहा हो। इस तरह से उसकी बॉडी क्लोज करेंगे यहाँ पर, तो आपकी जो इनर फॉर लूप है इसकी बॉडी क्लोज हो जाती है, और फिर इसके बाद हम जो आपका आउटर फॉर लूप है इसकी हम बॉडी क्लोज करेंगे, इसके बाद हम मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। ओके, यहाँ पे हम गेट सी एच फंक्शन का यूज़ कर, हमेशा मेन फंक्शन के साथ गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब आप देखिए आपके प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग भी अच्छी लग रही, तो इस तरह से आप ब्लॉक में हमेशा जो गुड प्रोग्रामर्स होते हैं उनकी जो गुड हैबिट्स होती हैं, इस तरह से आप प्रोग्राम को अलग अलग ब्लॉक में यूज़ करेंगे, जिससे आपको ये आउटर फॉर लूप है और आउटर फॉर लूप की बॉडी यहाँ पर ओपन होती है, ये क्लोज होती है। ये इनर फॉर लूप है, यहाँ पर इनर फॉर लूप की बॉडी ओपन होती क्लोज होती, तो इस तरह से आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, सामने वाला जो प्रोग्राम को रीड करेगा वो भी आसानी से इस प्रोग्राम को आसानी से समझ पाएगा। चलिए इसको कंपाइल करते हैं। ओके, अब आप देखिए कि आपका आउटपुट 1 2 1, 3 2 1, 4 3 2 1 और 5 4 2,
अभी आउटपुट किस तरह से आया, इसको हम समझते हैं कि आउटपुट किस तरह से प्रिंट हुआ, 1 2 1 3 2 1। ओके चलिए, तो इस प्रोग्राम का हम लॉजिक समझते हैं। तो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता हमेशा मेन फंक्शन से, और इसके बाद आई और ये दो हमने वेरिएबल यूज़ किए। तो पहला वेरिएबल हमने आई को फर्स्ट फॉर लूप मीन्स आउटर, इसको हम आउटर फॉर लूप कहेंगे, और दूसरा जो जे वेरिएबल हमने इनर फॉर लूप में यूज़ किया, इसको इनर फॉर लूप यूज मीन्स कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला फॉर लूप रन होता है तो वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे चेक करेगा कि आई इज इक्वल टू 1। ओके, और फिर यहाँ पे आई में वैल्यू 1 कॉपी होती है, इसके 1 <= 5, तो आपका जो 1 है वो कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है कि 1 > 5 से या बराबर है 5 से, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है। और आई प्लस प्लस यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो अभी आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, ये होती है नेक्स्ट टाइम में, जब हमारा एक बार ये फॉर लूप के अंदर जो भी पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है उसके बाद ही आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके, तो क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है, प्री इंक्रीमेंट में वैल्यू तुरंत इंक्रीज होती है एग्जीक्यूशन होने से पहले। इसके बाद कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये आउटर फॉर लूप मीन्स स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यू ये रन होगा। फिर इसके बाद अंदर यहाँ पे कंट्रोल आएगा, फिर प्रिंट एफ स्लैश एन, तो यहाँ पे न्यू लाइन मीन्स जो भी कंट्रोल वो रीड कर लेगा कि न्यू लाइन, यहाँ पे आपको न्यू लाइन से जो भी आउटपुट प्रिंट होगा वो न्यू लाइन से प्रिंट होगा। इसके बाद फॉर जे इज इक्वल टू आई, अब यहाँ पे दूसरा जो इनर लूप है वो कंडीशन चेक करेगा कि जे जे जो है आपका, कि जे में जो वैल्यू है वो आई की वैल्यू कॉपी होगी, तो अभी आई में वैल्यू है कितनी, 1। ओके, तो यहाँ पे आई में जो वैल्यू 1 है वो कॉपी होगी जे में, क्योंकि जो इज इक्वल टू ऑपरेटर वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, तो जो राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड में कॉपी करता है, जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, तो राइट में जो वैल्यू होगी मीन्स आई में जो वैल्यू 1 है उसको कॉपी करेगा लेफ्ट में जे में। अब जे में वैल्यू आपकी कॉपी हो जाती है 1। ओके, अब जे यहाँ पे चेक करेगा क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइज हो गई जे की वैल्यू, अब यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, तो कंडीशन चेक होगी कि 1 > 0, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है क्योंकि 1 बड़ा है 0 से। और फिर जे माइनस माइनस कब होगा, जब एक बार प्रिंट होगा एग्जीक्यूट मीन्स जो स्टेटमेंट फॉर लूप का स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगा, उसके बाद जे माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे आपका जो जे एक बार प्रिंट होगा तो जे प्रिंट करेगा 1। ओके, फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट करेगा, इसके बाद वापस से कंट्रोल वापस इस फॉर लूप पर जाएगा, फिर चेक करेगा अब आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, क्योंकि जे ने आपकी जो वैल्यू 1 थी वो माइनस कर दी और आपकी वैल्यू हो जाती है 0। अब 0 से यहाँ चेक होगा कि 0 > 0, तो कंडीशन हो जाती है इनर फॉर लूप की फॉल्स, तो आपका जो इनर फॉर लूप टर्मिनेट हो जाता है, तो वापस जाएगा आउटर फॉर लूप की तरफ, और फिर आउटर फॉर लूप क्या होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, तो आपका नेक्स्ट टाइम जो आउटर फॉर लूप की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है आई की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू प्लस प्लस होती है, तो यहाँ पे 2 से फिर से यहाँ चेक होगी, तो फिर से कंडीशन चेक होती है कि 2 < 5, तो कंडीशन ट्रू होती है आउटर फॉर लूप की। फिर वापस कंट्रोल अंदर आएगा मीन्स इनर फॉर लूप की तरफ, और फिर इनर फॉर लूप को इनिशियलाइज करेगा, एक्टिव करेगा इसको, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू अब क्या हो जाती है, 2, तो 2 वैल्यू जे में ये कॉपी करता है, तो जे में वैल्यू हो जाती है 2, तो फिर यहाँ पे जे से कंडीशन चेक होती है कि 2 > 0, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू होती है इनर फॉर लूप की, तो फिर आपका यहाँ पे 2 प्रिंट होता पहली बार। ओके, सेकंड जो आपका जो सेकंड लाइन से जो आउटपुट प्रिंट होता है, फर्स्ट लाइन में आपका 1 प्रिंट होता है, सेकंड लाइन से आपका 2 प्रिंट होगा पहली बार। ओके, पहला आउटपुट, इसके बाद फिर कंडीशन चेक होती है क्योंकि अब जे माइनस माइनस, तो आपका जो 2 है वो हो जाता है माइनस माइनस मीन्स एक बार डिक्रीज। ओके, तो आपके जे की वैल्यू हो जाती है 1, तो 1 से फिर चेक करेगा 1 > 0, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर से प्रिंट करेगा मीन्स फिर से ये लूप चलेगा, तो फिर अब प्रिंट करेगा कितना, 1, फिर 1 प्रिंट करेगा, तो पहले 2 प्रिंट किया फिर 1, फिर से जे की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस माइनस, तो फिर आपकी जे की वैल्यू हो जाती है 0, और फिर से ये लूप क्या हो जाता, स्टॉप हो जाता है क्योंकि इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती। अब वापस फिर आउटर फॉर लूप की तरफ जाती है तो आपकी आई की वैल्यू अब क्या हो जाती है, 3, क्योंकि
आई की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो थ्री फिर चेक होता है, तो फिर से थ्री यहाँ पे फिर आता है, फिर आई की वैल्यू यहाँ थ्री हो जाती है, फिर थ्री यहाँ फिर चेक होता है, तो फिर थ्री टू वन फिर एक प्रिंट करेगा, फिर ए वन मीन्स थ्री टू वन प्रिंट करेगा, फिर वापस यहाँ जाएगा, फिर आई की वैल्यू फोर होती है, फिर फोर से यहाँ चेक करेगा, है ना, तो फोर यहाँ असाइन करेगा जे में, और फोर से फिर चेक कंडीशन बार बार, फोर टाइम फिर यह लूप चलेगा, तो फोर थ्री टू वन इस तरह से, फिर फाइव होता है, तो फाइव फोर थ्री टू वन, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यह प्रोग्राम जो आपका आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है ना। तो इस तरह से अब इसको इसकी हम वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे हम अभी तक आउटपुट 5 था, अब इसको हम चेंज करते हैं 10। ओके, अब आप देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, क्योंकि अब 10 तक चलेगा। अब इसको रन, कंट्रोल F9। अब आप देखिए, तो आपका जो नीचे जो आउटपुट शो हो रहा, 1 2 1 3 2 1, 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है हाफ पिरामिड नंबर के फॉर्म में प्रिंट होता है। ओके, तो आप इस नंबर को आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रिंट हो रहा है, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा मैजिकली फॉर्म में बनाते हैं। अब जैसे जो, क्योंकि जो जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे, तो इसको हम स्टार फॉर्म में प्रिंट करते थे, हाफ पिरामिड को किस तरह से स्टार, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे आप स्टार यहाँ पे यूज करेंगे, और डब मीन्स उसका डबल कोट्स के अंदर। अब आप मैजिक देखिए, इसको हम कंपाइल रन करेंगे, तो आप देखिए कि स्टार का जो हाफ पिरामिड है वो आप देख सकते हैं इस तरह से प्रिंट होगा। आप क्लियर स्क्रीन का यूज़ कीजिए यहाँ पर, फिर आप उसको आउटपुट को क्लियरली आप देख पाएंगे। ओके, तो यह प्रोग्राम हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम, मीन्स बार बार इसको हम बनाते थे और काफ़ी इंजॉय करते थे, तो आप भी इसको इंजॉय कीजिए, आप भी इस प्रोग्राम को बनाइए। ये देखिए, आपको हाफ पिरामिड स्टार के फॉर्म में प्रिंट हो रहा, तो ये स्टार का मैजिक है। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को पहले हाफ पिरामिड नंबर के फॉर्म में इसको प्रिंट कीजिए, इसका लॉजिक समझिए जो मैंने समझाया, इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा, इसके बाद फिर आप स्टार प्रिंट कीजिए। तो आपको पहले लॉजिक समझ में आना चाहिए कि किस तरह से ये आपका जो आउटर फॉर लूप है और इनर फॉर लूप है किस तरह से रन होता है, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद फिर आप स्टार प्रिंट कीजिए। ओके, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।